शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। आम आदमी पार्टी द्वारा बढ़ते बिजली के बिलों को लेकर सदर स्थित महावितरण के कार्यालय पर आंदोलन किया गया है। कोरोना वायरस का संक्रमण और जनजागृति करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने कुछ गाइडलाइन जारी की थी, जिसके तहत लॉकडाउन का भी एक मुद्दा रहा है। लॉकडाउन के चलते लोग अपने घरों में थे तो वहीं व्यापार पूरी तरह से बंद था। दुकानदार सभी अपने घरों में थे, जिसके चलते बिजली शुरू होने का सवाल ही नहीं उठा था। ऐसे में व्यापारी हो, कामगार हो, किसान हो या किसान या फुटपाथ पर बैठकर अपने परिवार का और अपना गुजर बसर करने वाले आर्थिक दृष्टि से गरीब ऐसे नागरिकों के लिए इलेक्ट्रिक बिल को माफ किया जाए और 200 यूनिट तक के और महावितरण द्वारा 200 यूनिट पूरी तरह से माफ कर दिया जाए, दिल्ली के पैटर्न पे कामकाज किया जाए, ऐसी मांग आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने गड्डी गोदाम स्थित महावितरण कार्यालय के सामने में धरना आंदोलन के दौरान किया। इस मौके पर उन्होंने अधीक्षक अभियंता दौड़ के इन्हें ज्ञापन दिया। इस समय में इनबीसीएन की टीम सदर के महावितरण ऑफिस के पास है, जहां पे आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहां पे बड़ी संख्या में मौजूद है और वे अधीक्षक अभियंता दिलीप दौड़ के इन्हें एक ज्ञापन देने वाले हैं। आखिरकार ज्ञापन में क्या क्या लिखा हुआ है और किस विषय को लेकर आज ये लोग आए हुए, आइए उनसे जानना चाहेंगे आम आदमी पार्टी के तमाम लोगों के पास। सर, ये बताए कि जिस तरह से आज आप तमाम आम आदमी के पार्टी आए हुए हो, क्या कहना चाहोगे? आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि 1 तारीख से इन्होंने अपना रेट बढ़ा दिया है, ये जनता को मालूम नहीं है। और अभी लॉकडाउन की हालत में आर्थिक स्थिति बहुत खराब है लोगों की, लोगों के पास पैसे नहीं है, धंधा बंद हो चुका है, नौकरियों से उसकी तनख्वाह नहीं मिली है। ऐसे हालात में बढ़े हुए रेट से 3 महीने साथ में एक साथ बिल भेजना, ये ज्यादती है और ये चीज़ डिले करनी जानी चाहिए थी, लोगों के बीच में जाने देना चाहिए था। जब सरकार इतना सोच रही है कि देश के अंदर में पैंडेमिक है, ऐसा होना चाहिए, अभी आर्थिक स्थिति ये नहीं है, 18 लाख का पैकेज आ रहा है, दुनिया भर की बातें हो रही है, लेकिन उसके करतूत भी विपरीत हो रही है। ये सरकार है या साहूकार है, ये पैसे वसूलने का काम कर रही है, ये साहूकारी नहीं चलेगी, ये लोगों के बारे में सोचना चाहिए। हमारा निवेदन है सरकार से कि 16% जो इनकी ड्यूटी है ये इन्होंने वेव ऑफ करना चाहिए और पुराने दर से जो पिछले साल इस महीने का बिल था, लॉकडाउन की वजह से दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ है, सब घर में रहे हैं तो बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है, उनका कॉमन जो मीटर आता था, जो रीडिंग आती थी वो ज़्यादा आई हुई है, उसके कारण भी बिल बढ़ा हुआ है। तो पिछले साल के जो महीने में उनका कंजम्पशन था, उस कंजम्पशन से बिल लेना चाहिए, उसमें उनको रियायत देने चाहिए। और 200 यूनिट बिजली फ्री करने की मांग हमने 3 तारीख को भी सरकार के सामने रखी थी, वो सरकार ने कंप्लीट करके गरीबों को फायदा पहुंचाना चाहिए और इस परिस्थिति से इंसान जो आज आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है उसको बाहर निकालना चाहिए। देखिए, हम लोग जनता के साथ है, महाराष्ट्र नागपुर की और महाराष्ट्र की जनता के साथ है आम आदमी पार्टी, तो जैसा भी होगा हम इस आंदोलन को तीव्र करेंगे। जबकि मालूम है अभी थोड़ा कोरोना का प्रकोप है, लेकिन उसके साथ साथ सरकार को ये समझना चाहिए कि गरीब लोग, देखिए एक काम करने वाली बाई उसका बिल इतना 6,000 आता है तो उसका क्या मतलब है, ये लोग कहाँ से देंगे? तो हम नागपुर की जनता और महाराष्ट्र की जनता के साथ हैं, हम कैसे भी करके सरकार को बाध्य करेंगे कि ये जो टैरिफ इन्होंने बढ़ाया है इसको कम करिए। बिल्कुल, दिल्ली में 200 यूनिट अरविंद केजरीवाल जी की सरकार फ्री मुफ्त में दे रही है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, उसी प्रकार एटलीस्ट आप हमको तो नहीं दे रहे हैं, हमारे महाराष्ट्र में वो सब सुविधाएं हमको नहीं दे रहे, उल्टा हमारा बिजली का बिल बढ़ाते ही जा रहे हो। लेकिन ये कोरोना की स्थिति में जिनकी आर्थिक स्थिति सबकी खराब हो चुकी है कोरोना की हालत में, तो कम से कम कोरोना में तो भी आप लोगों ने 200 यूनिट सभी जनता को मुफ्त देना चाहिए था, और बल्कि आपने ये ना करते हुए आपने बिल 6,000 7,000 8,000 भेज दिए। आज हमारी जनता कहाँ से भरेगी इतना पैसा? क्या हमारा जॉब नहीं है, काम करने वाले लोगों का काम बंद है, कहाँ से ये लोग पैसे बिल भर पाएंगे? हमारी प्रमुख मांग तो यही है कि हम 200 यूनिट जो है पूरे महाराष्ट्र में 200 यूनिट फ्री दिया जाए कोरोना की स्थिति में, और लोगों को एक सहूलियत देना चाहिए, लोगों को न्याय मिलना चाहिए और जो बढ़ते बिल है उसको पूरी तरह से कम करना चाहिए, 100-200 यूनिट जो है उसको पूरी तरह से माफ करना चाहिए, ऐसी गुहार ऐसी मांग इन विषय के समक्ष आज तमाम शहर के नागरिक कर रहे हैं। नागपुर के गड्डी गोदाम चौक से कैमरा पर्सन सुहास भुटले के साथ संजय मीरे, इन विषय न्यूज नागपुर।